कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और इससे निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसी तर्ज पर कालाकुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि कोरोना वायरस की एक बार पुनः दस्तक देने को लेकर शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो उठा है। इस दौरान मॉक ड्रिल में लॉजिस्टिक, दवा और ऑक्सीजन उपलब्धता के निर्देश दिए गए, साथ ही ऑक्सीजन स्टॉक में रखने को भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, साथ ही अस्पताल परिसर में आरटीपीसीआर जांच सेंटर खोला गया है, जहां प्रतिदिन 100 से ज्यादा जांच की जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 250 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 6 प्लांटों से करीब 2.5 से 3 हजार एमएलपी ऑक्सीजन की क्षमता है। वहीं मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग व जांचें की जा रही है। श्रीमान शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज मॉक ड्रिल का पूरे जिले में आयोजन किया गया है, जिसका मैंने श्रीमान अपने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ अपने ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है, जिसमें ये पहले से ही जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ओजीपी है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल पहले से ही होता आ रहा है। आज हमने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ दोबारा से निरीक्षण किया गया है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और एक जो हमारे यहाँ पे बेड पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, O2 सिलेंडर्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की व्यवस्था है, सब दुरुस्त है। वार्डों में क्या व्यवस्था की गई है? वार्डों में हमारे यहाँ जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है और सभी जो तकरीबन 250 बेड पे ऑक्सीजन उपलब्ध है। मतलब अगर क्षमता अगर ज्यादा होती है तो किस तरह हम व्यवस्था कर सकते हैं, कितनी हमारे अंदर वो है? जैसा कि मैं आपको मालूम भी होगा, हमारे यहाँ पे टोटल 6 प्लांट हैं और 6 प्लांट की तकरीबन 2.5 से 3 हजार एलएमपी लिक्विड जो ऑक्सीजन है अपनी, वो उसकी कैपेसिटी है। तो तकरीबन हम देखा जाए तो फुल कैपेसिटी पे भी 250 अगर बेड पे मरीज हो तो उनको हम आराम से ऑक्सीजन दे सकते हैं। अभी नए केसों की कोई स्थिति नहीं, एक केस पाया गया था जो कि सूर्यनगर से था, उसकी रीसैम्पलिंग करवाई है, वो भी नेगेटिव है और उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो भी सभी नेगेटिव पाए गए हैं। जो पुणे भेजा गया था और जीनोम सैंपलिंग के लिए उनके सैंपल को जयपुर भिजवाए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल की है, किस तरह से, मतलब क्या क्या चीजें आपने अभी अपने उसमें निरीक्षण के दौरान नोट की है, क्या है, क्या क्या व्यवस्था? पहले तो सबसे पहले ये होता कि इसमें कितना कंप्रेसर है, वो प्रेशर प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसमें ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद में फिर एयर फिल्टर्स वगैरह चेक करते हैं वीकली, वो हम 7 दिन में 15 दिन में, हमारा एक फिक्स टाइमिंग है हर प्लांट के। और मॉक ड्रिल महीने में 2 बार होती है जो रेगुलरली पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। बेडों की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन बेड्स जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स लगे हैं, सभी बेड्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स अवेलेबल हैं और सभी पे ऑक्सीजन की सुविधा है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमारे पास 132 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है और लगभग सभी ठीक है। एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो है वो बनना है, इसके अलावा सारे ठीक है। एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? एम्बुलेंस एक ALS है जो वर्किंग है और 7 BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। कितने प्लांट हैं सर अपने यहाँ ऑक्सीजन? अपने यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 प्लांट हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ है सर ये प्लांट वगैरह? एक प्लांट तो जनाना में लगा हुआ है, एक शिशु में लगा हुआ है और 4 प्लांट DHM। क्या नाम है सर आपका? मनोज राठी, बायोमेडिकल इंजीनियर।